हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 4-5 दिन से कोई भी खबर नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से फाइनली पीईटी को लेकर कुछ जानकारियाँ मिली हैं जो आप सब तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और कोई भी जानकारी, किसी भी भर्ती की रिगार्डिंग जानकारी आपको चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी के किसी पुरानी भर्ती, नई भर्ती, भर्ती परीक्षा परिणाम, किसी चीज़ को लेकर, आप लोग उसके बारे में कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ, उसके बाद जानकारी इकट्ठा करता हूँ। तो आप लोग कॉमेंट करिए, आपकी जानकारी मिलेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा ज़रूर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिस भी जारी की गई है, उसको भी आपको दिखाने वाला हूँ, ऑफिशियल नोटिस। साथ साथ पीईटी को लेकर भी यहाँ पर बहुत अहम जानकारियाँ मिली हैं, वो भी इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग न्यूज़ तो देखिए ही, जो जानकारियाँ आ रही हैं वो आप तक पहुँचाई जा रही हैं कि कब तक आवेदन होगा, क्या कब तक परीक्षा होगी, क्या होगा सिलेबस, ये चीज़ें तो हम लोग आपको बताते आ रहे हैं, आगे भी बताते आएंगे जो जानकारियाँ मिलेंगी। लेकिन आपका अभी सिर्फ एक ही काम है कि आप लोग तैयारी करते रहें। हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, करेंट अफेयर, इनका आप लोग सब्जेक्ट वाइज बुक्स खरीद के पढ़ाई करें। साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी के पैटर्न को आपको नहीं पता है कि कैसे प्रश्न पीईटी में पूछे जाएंगे, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी और यूपी लेखपाल के सिलेबस को कंबाइन करके एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है बी टॉपर की तरफ से। कीमत नाम मात्र है, सभी लोग खरीद सकते हैं। कीमत मात्र 99 रुपीज है, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी के साथ साथ जो छात्र यूपी लेखपाल की तैयारी भी करेंगे वो आगे चल के मुख्य परीक्षा लेखपाल में बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यूपी लेखपाल के मुख्य परीक्षा जब आयोजित होगी पीईटी के बाद तो उसमें हाई लेवल का कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वही छात्र केवल सेलेक्ट होंगे मुख्य परीक्षा में जो वाकई में होनहार होंगे, लगातार अभ्यास और प्रयास करते आ रहे हैं, पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो उनके में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। इसलिए आपको भी तैयार रहना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सिलेबस के साथ साथ यूपी लेखपाल का भी सिलेबस इंक्लूड कर दिया है मात्र 99 रुपीज़ में। इसमें हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके भी दिया गया है। और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ वन लाइनर ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और हर सब्जेक्ट के 10-10 स्पेशल वीडियो क्लासेस के लिंक भी दिए गए हैं, जो कि प्राइवेट वीडियो क्लासेस हैं, सिर्फ वही छात्र देख सकते हैं जो इस क्रैश कोर्स को खरीदेंगे। भाई, इतना सब कुछ 99 रुपीज़ में वीडियो क्लासेस का क्रैश कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। लिंक इसका नीचे दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की बेसिक लेवल की तैयारी और यूपी लेखपाल की तैयारी इस क्रैश कोर्स से कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है खरीदने का, जाके वहां से इसको अभी के अभी खरीद लीजिए। तो जिनको भी इच्छा है खरीदने का इस क्रैश कोर्स को, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको खरीद सकते हैं। तो आते हैं खबर पर दोस्तों, और कोई भी बातचीत करनी, कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर beetopper_yt भी सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आते हैं खबर पर, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी को लेकर। तो दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते मैंने बताया था, उसके बाद से कोई जानकारी नहीं मिली। तो यहां पर यूपी ट्रिपल एससी पीटी में जो पीटी को लेकर जो काम चल रहा है वो उसके पाठ्यक्रम पे चल रहा है। इसके लिए एक कमेटी गठन करने की आयोग के अध्यक्ष ने बात की थी, जिसको लेकर दोस्तों इसी हफ्ते यहाँ पर एक आयोजित मीटिंग आयोजित होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी के कार्यालय में, जिसमें फाइनली यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का परीक्षा प्रारूप तय किया जाएगा और पीईटी का पाठ्यक्रम के लिए कमेटी गठन की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और पूरी जानकारी मिल रही है कि 25 दिसंबर के पहले पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर देगा, एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर। तो बहुत अच्छी खबर है। जानकारी मिल रही है कि यूपी ट्रिपल एससी उस नोटिस में इस परीक्षा प्रारूप का जिक्र करेगा कि परीक्षा के लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए आवेदन कब से शुरू होगा, टेंटेटिव डेट, और एग्जाम भी बता सकता है टेंटेटिव के कब तक होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहे दोस्तों, दिसंबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। और जानकारी मिली है कि 1 जनवरी से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो इसलिए डट जाइए पीईटी की तैयारी करने में। अगर ये जो पहली बार परीक्षा आयोजित होने जा रही है पीईटी की, अगर इस पहली परीक्षा को आप अटेम्प्ट करके क्रैक नहीं कर पाएंगे तो लेखपाल भर्ती जैसे अन्य जो
विभागों से 35,000 भर्तियां हैं उसकी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन पीईटी के बाद निकाली जाएगी और सिर्फ वही छात्र अप्लाई कर पाएंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा क्रैक कर लेंगे। उसके बाद अगर आप 2-3 अटैम्प्ट में पीईटी क्रैक भी करते हैं तो ये सारी लेखपाल वगैरह की भर्तियाँ बचेंगी ही नहीं, तो आप बैठे के बैठे रह जाएंगे। और यूपी का हाल तो आपको पता है कि 3-4 साल भर्ती आने वाली नहीं है लेखपाल वगैरह की, तो इसलिए पीईटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि पहले अटैम्प्ट में पीईटी क्रैक हो गया ना तो आप 2-3 साल तक आप जितनी भी भर्ती आएंगी सभी पे आवेदन कर सकेंगे, सभी मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो जो क्रैश कोर्स रेकमेंड किया वो आपको बहुत मदद करेगा पीटी के पैटर्न को समझने में, पीटी परीक्षा को क्रैक करने में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे कहने से जाइए खरीदिए, 99 रुपये बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर जो नोटिस जारी की गई है ऑफिशियल यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से वो मैं दिखा देता। दोस्तों नोटिस की डेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 15 दिसंबर 2020, ये कल शाम को जारी हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी ने एक भर्ती के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है। देखिए आयोग की विज्ञापन संख्या 01/2018 सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सामान्य चयन प्रज्ञात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्यता मापदंड परीक्षा तथा शारीरिक पात्रता परीक्षा हेतु आहर पाए गए अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों की न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्यता मापदंड परीक्षा तथा शारीरिक पात्रता परीक्षा के कार्यक्रम से संबंधित आयोग की सूचना संख्या 3408 कंप्यूटर अनुभाग 2018 जो 12 नवंबर 2020 को संदर्भ ग्रहण करें। आयोग की उक्त सूचना के कार्यक्रम 1/12/2020 से 11/12/2020 के मध्य संपन्न न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्यता मापदंड परीक्षा का शारीरिक पात्रता परीक्षा में कतपीय ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक स्वास्थ्य मापदंड परीक्षा का शारीरिक पात्रता परीक्षा में अनुपस्थिति रहे हैं उनके लिए दोस्तों यहां पर डेट डिसाइड कर दी गई है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जो यूपी ट्रिपल एससी के सचिव हैं और उन सभी छात्रों का नाम और उनके रोल नंबर के साथ में सब कुछ यहां पर डिटेल में डिटेल सारी चीज़ें दी गई है। तो आप लोग यहां पर अपना नाम देख सकते हैं, समय तिथि देख सकते हैं, अनुपस्थिति होने का सारी चीज़ें यहां पर आपको मिल जाएगी। तो ये नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आके आप लोग इसको डाउनलोड कर लें। और व्यायाम पर्यवेक्षक और प्रदेश अधिकारी के जितने भी छात्र हैं जो सिलेक्टेड हैं वो अपना शारीरिक परीक्षा मापदंड करवा सकते हैं अपने तय सीमा तिथि पर। तो जाइए इसको नोटिस डाउनलोड करें और आप लोग वहां पर पहुंचें। तो दोस्तों ये थी खबर आज की, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी में जोर लेकर आइए, तैयारी करते रहिए। इस क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी कभी खरीद लीजिए, इसमें डबल फायदा है, यूपी ट्रिपल एससी यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का दोनों सिलेबस कंबाइन करके मात्र 99 रुपीज में बहुत कम कीमत पर दिया जा रहा है। लिंक इसका नीचे दिया गया, वहां से इसको खरीद सकते हैं। और कुछ भी डाउट रह गया, कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जाइए मुझे फॉलो और जो कुछ भी अपने डाउट हो क्लियर करना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।